छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तोरवा स्थित बारदाना फैक्ट्री में रविवार 22 सितंबर की रात भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जांच जारी है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 8:30-9 बजे के करीब कर्मचारियों ने गोदाम से धुआं उठते हुए देखा। जब तक वे आग बुझाने की कोशिश करते, इससे पहले ही प्लास्टिक के बारदाने के गोदाम में आग पूरी तरह से फैल गई। गोदाम के अंदर सामान धू धू कर जलने लगा। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। चूंकि गोदाम में प्लास्टिक और फर्नीचर रखा हुआ था, इसलिए आग काफी तेजी से फैलने लगी। एक एक करके फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम के मालिक तोरवा में रहने वाले रमेश माखीजा हैं। देवरी खुर्द लाल खदान ओवर ब्रिज के पास उनका गोदाम है। उन्होंने बारदाना और फर्नीचर व्यवसायी को किराए पर देकर रखा है। बारदाना व्यवसायी और फर्नीचर व्यवसायी के कर्मचारी भी गोदाम में ही रहते हैं। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी 1 घंटे देर से फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके कारण आग और तेजी से भड़की। लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो दूर से ही दिखाई दे रही थी। पूरा गोदाम धू धू कर जल रहा था। इधर आग लगा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इधर रास्ते पर भी जाम लगने से लोग परेशान होते रहे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।